जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने डीडीयू विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार ईवीएम मशीन के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है तथा ईवीएम मशीन को केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में रखा गया है और सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही ईवीएम मशीन की सुरक्षा के दृष्टिगत हर 8 घंटे पर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रेक्षकों की निगरानी में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्क्रूटनी की कार्यवाही की गई है तथा ईवीएम मशीन के साथ जो प्रपत्र है उसको ईवीएम मशीन वाले रूम में सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 मार्च तक सभी अधिकारी बारी बारी से आकर स्ट्रांग रूम का जायजा लेंगे और 10 मार्च को सकुशल मतगणना करवाया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, के लिए मतदान तो संपन्न हो गया। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन का जाना, सर इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, स्ट्रांग रूम में जैसे आयोग का मैनुअल है, 3-टायर सिक्योरिटी सिस्टम तैनात किया गया है और केंद्रीय सुरक्षा बल के सुपुर्दगी में दिया गया है। यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरा से लगातार 24 घंटे निगरानी होगी। हर 8 घंटे के लिए यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। आज प्रेक्षकों के उपस्थिति में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टी के प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट्स के सम्मुख स्क्रूटनी की कार्रवाई की जा रही है आयोग के मानक के अनुसार, और उसको अभी 11 बजे शुभारम्भ किया गया है और उसके पश्चात स्क्रूटनी के पश्चात वो जो शेष प्रपत्र हैं उनको भी स्ट्रांग रूम में अलग स्ट्रांग रूम में सील किया जाएगा। पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम की निगरानी करिए, प्रत्येक दिन मेरे द्वारा एसएसपी द्वारा यहाँ पे निगरानी भी की जाएगी और यहाँ विजिट भी किया जाएगा। पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ 9 तारीख तक इसको किया जाएगा और 10 तारीख को मतगणना प्रारंभ की जाएगी।